Class 7, today I am going to teach you kingdom fungi. In yesterday's online classes, you have studied about amoeba and its reproduction, respiration, kingdom protista you have studied, and today I will be teaching you kingdom fungi. Fungi is a plant like, fungi जो होते हैं plant की तरह होते हैं, उनमें cell walls होती हैं, और जो cell walls होती हैं, cell wall जो कि basically cell walls जो होती हैं वो बनी होती हैं cellulose से. बट इसमें ये प्लांट जैसे तो होते हैं, बट इनकी जो सेल वॉल होती है वो किटाइन से बनी होती है. देखिए किटाइन से, किटाइन. बिसाइड्स अनलाइक प्लांट्स, फंगाई लाइक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. ये कुछ प्लांट्स के तरह होते हैं, बट प्लांट्स की तरह ये खाना अपना नहीं बनाते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होती है, तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते. फंगाई स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इंस्टेड ऑफ स्टार्च. बेसिकली प्लांट्स क्या करते हैं, खाने को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं. फंगाई क्या करते हैं, अपने फूड को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और इनकी सेल वॉल जो कि सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, लेकिन इसमें सेल वॉल काइटिन की बनी होती है. इन जनरल फंगाई नीड एम्पल मॉइस्चर एंड वार्म टू ग्रो. इनको बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा वार्म एरिया की ज़रूरत होती है. बैक्टीरिया तो कहीं भी बढ़ सकते हैं, चाहे वो बहुत कोल्ड जगह हो, चाहे बहुत हॉट जगह हो, बहुत ह्यूमिड जगह हो, लेकिन इनको एक मॉइस्चर की ज़रूरत होती है. अब इस मौसम में वो वी आर हैविंग नमी मॉइस्चर, तो इस मौसम में वी कैन देयर इज़ अ मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ फंगाई. सम आर एक्वेटिक, कुछ पानी में रहते हैं, बाकी दे कैन ग्रो इन मॉइस्ट सर्फेसिस. मोस्ट फंगाई सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक आपने पढ़ा है. सम आर पैरासाइट सेप्रोफाइटिक, जिसमें किसी भी होस्ट की बॉडी में रह के दोनों बेनिफिट्स उठा सकते हैं. सम आर पैरासाइट्स वाल अदर्स आर सिम्बायोट ये होता है. पैरासिटिक फंगाई लिव ऑन द इनसाइड प्लांट्स और एनिमल्स कॉजिंग वेरियस डिसीज. पैरासाइटिक फंगाई क्या होती हैं, किसी भी एनिमल्स या प्लांट्स के अंदर रहती हैं और बहुत सारे डिसीजेस फैलाती हैं. सिम्बायोटिक फंगाई लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद सर्टेन प्लांट्स एंड एनिमल्स. सिम्बायोटिक क्या होती हैं, ये लोग एसोसिएशन में रहती हैं एंड इन्हें नुकसान नहीं पहुँचाती, लेकिन पैरासाइटिक जो होती है फंगाई वो नुकसान पहुँचाती हैं. अगर जिसके साथ भी रहती है, एनिमल के अंदर है या प्लांट के अंदर है, दे आर गोइंग टू डैमेज इट. वाइल सिम्बायोटिक फंगाई लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद सर्टेन प्लांट्स एंड एनिमल. वन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन बिटवीन फंगाई एंड अदर ऑर्गेनिज्म लाइकेन. लाइकेन्स क्या है, इनके बीच के एसोसिएशन होते हैं फंगाई और ये सिम्बायोटिक फंगाई का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते. पैरासाइटिक जो होते हैं वो नुकसान पहुँचाते हैं. लाइकेंस क्या होते हैं, विच आर मेड अप ऑफ फंगस एंड एल्गा. एल्गी और फंगाई को जब हम दोनों को मिला के बनाएंगे कुछ तो बनेगा लाइकेन. द एल्गा प्रोड्यूसेस द फूड वाइल द फंगस प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड एनकरेज एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सराउंडिंग. तो दोनों जब कंपनी देते हैं एक दूसरे को, सिम्बायोटिक कंपनी, तो क्या होता है, एल्गी जो होता है वो खाना बनाता है. एल्गी प्रोड्यूसेस फूड, एल्गी खाना बनाता है, और फंगाई क्या करता है, ये प्रोटेक्शन देता है, एनकरेज करता है. एनकरेज मतलब कहीं भी किसी की बॉडी में जुड़ जाना, और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से, जो भी नमियाँ होती हैं सराउंडिंग में उसको एब्जॉर्ब करता है, और न्यूट्रिएंट्स पहुँचाता है खाने के लिए. अनदर एग्जाम्पल इज़ द एसोसिएशन बिटवीन फंगाई एंड द रूट ऑफ सम प्लांट्स. कुछ प्लांट्स में भी फंगाई लग जाती है, द फंगाई, तो ये फंगाई कैसे हेल्प करती है उस प्लांट को, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसे कहलाएगा, क्योंकि ये फंगाई क्या करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है, जिस भी प्लांट में ये रहता है उसको मदद मिलती है. अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एसोसिएशन बिटवीन लीफ कटर एंड्स एंड फंगाई. एक बहुत ज़्यादा अच्छा एसोसिएशन, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल इंटरेस्टिंग एसोसिएशन होता है लीफ कटर एंड्स ची. एक लीफ कटर एंट्स होती है, लीफ कटर चीटियाँ होती हैं, फंगाई. ये चीटियाँ का क्या करती हैं, ये क्या करती है, द एंट्स कल्टिवेट द फंगाई द वे वी कल्टिवेट क्रॉप्स. तो ये चीटियाँ क्या करती हैं, कल्टिवेट करती हैं क्रॉप्स को, कल्टिवेट जैसे हम करते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, उसमें अपनी फील्ड्स को उपजाऊ बनाते हैं, वैसे ही ये लीफ कटर क्या करती है, फंगाई को उपजाऊ बनाती है, ताकि जैसे हम अपनी क्रॉप्स को कल्टिवेट करते हैं, एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिसीज. ये इनका एसोसिएशन है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एंट्स एंड लीफ कटर एंट्स और फंगाई एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं. द फंगाई डिकम्पोज द च्यूड लीव्स टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट. दे डिकम्पोज लीव टू मेक न्यूट्रिटिव डाइट फॉर बेबी एंट्स. फंगाई के लिए ये क्या करी है, ये कल्टिवेशन करी है, बाकी फंगाई इसके लिए क्या कर रहा है,
जो चीड लीव्स ये लेकर आती है उससे न्यूट्रिशन बनाता है। इसकी जो एंट्स के बेबी होते हैं उनको न्यूट्रिटिव डाइट देने के लिए ये इन लोगों के लिए एक न्यूट्रिशन डाइट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फंगाई। द साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट स्पेशीज ऑफ फंगाई। साइंटिस्ट ने बहुत सारी स्पेशीज इन लोगों की पाई है जो कि बहुत ही ब्रॉडली क्लासीफाई की गई है। यीस्ट में मशरूम्स हैं, मशरूम्स हम खाते भी हैं। मोल्स ईस्ट आर यूनिसेलर, ईस्ट जो होते हैं वो यूनिसेलर होते हैं, मतलब एक ही सेल के बने हुए होते हैं, पर ये कॉलोनीज बना लेते हैं इंडिविजुअल्स की। मोल्स एंड मशरूम्स जो होते हैं वो मल्टी सेलर होते हैं, मतलब वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं। लेट अस डिस्कस इन ग्रेट डिटेल। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट मोल्स एंड यू जस्ट गो थ्रू दिस किंगडम फंगाई के जो बेसिक फीचर्स हैं। आई हैव टोल्ड दिस इन ड्यूरिंग दिस लेक्चर। वॉट आई वॉन्ट यू टू डू इज बी रेडी विद योर डाउट क्लियरिंग क्लास आई विल बी टेकिंग टुमारो। आई हैव गिवन यू द डेट्स एंड टाइम्स, सो जस्ट बी रेडी विद दैट। एंड द नेक्स्ट इन टुमारोज क्लास आई विल बी टेकिंग मोल्स एंड फिनिशिंग इट विद इट्स हार्मफुल एंड यूजफुलनेस। ओके, थैंक यू क्लास।